वेलकम बैक बच्चों। दोपहर बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा कल कुछ चर्चा चल रही थी जाते जाते एनएफआईए पे, ठीक है ना। एक वो थोड़ी सी चर्चा बताया वो कंप्लीट कर रहे हैं और अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। बेटा कल से ध्यान रखना, अभी नोटबुक कंटिन्यूअस, ठीक है ना। और आपने बुक कोई परचेज करनी है तो बेटा सन की नहीं भी करनी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्वेश्चंस तो बोर्ड पे फ्लैश कर ही दूंगा, ठीक है ना। है तो बहुत अच्छी बात। चलो जी बेटा सामने देख रहे हैं सब। डेप्रिसिएशन पर करनी थी, फिर बेटा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट को रिलेट, यहां से बेटा हमने एक फॉर्मूला के बाद सब्सिडी लॉजिक सब कुछ क्लियर करें, मैं अगर कुछ पूछना हो पूछना। फिर बेटा हमने यहीं से एक चर्चा को रिलेट किया कि मार्केट प्राइस कैसे बनता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। अगर बेटा सेंस में लिखना हो एक चर्चा हमने ये करी। फिर बेटा क्या ना एक ठीक है ना जी। बेटा एक बार थोड़ी सी बात आखिरी की मेरी एनएफआईए पे रहती है वो बात करते हैं, फिर बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुरंत स्टार्ट करते हैं। एनएफआईए कुछ याद आ रहा होगा बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, कि नेट में बेटा आप फैक्टर इनकम के तौर पर अब्रोड से क्या कमा लेते हो नेट में। तो बेटा अगर मैं नेट बात करता हूँ तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो भी माइनस जो भी अब्रोड को पे करते हो फैक्टर इनकम के तौर पर, ये नहीं दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना। और बेटा नॉन रेजिडेंट इंडिया से रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट के तौर पर क्या कमा कर ले गया। अगर हम 500 करोड़ कमा कर लाए और वो 300 करोड़ कमा कर ले गए तो नेट में बेटा हमने 200 करोड़ कमाए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब यहां से मेरी एक चर्चा शुरू होती है बेटा, करूँ ये आगे जाकर इनकम मेथड में भी पढ़ो बेटा। प्रॉफिट के अपने आप में तीन कॉम्पोनेंट होते हैं, तीन चीजों से मिलकर बनता है। तीन चीजों को प्लस कर दो तो ये भी बेटा प्रॉफिट है। और बेटा ये लगभग लगभग हमारा कंसेप्ट बिजनेस स्टडीज का भी है, अगर कुछ आपको आइडिया हो, ठीक है ना। होता है पेमेंट बांटने का कंपनीज में फिक्स सीक्वेंस होता है, पहले वो बेटा डिबेंचर को इंटरेस्ट देती है, देन बेटा गवर्नमेंट को टैक्सेस देती है, प्रॉफिट वहीं से बनाया कि टैक्स जोड़ो सारा रिटेन अर्निंग जोड़ो सारा डिविडेंड जोड़ो, ये भी मिलाकर प्रॉफिट ही है बेटा। यानी कि बेटा नहीं पड़ता रेंट वेजेस एंड सैलरी इंटरेस्ट और प्रॉफिट की जगह तीन कॉम्पोनेंट। फॉर्मूला फीफा माइनस बेटा। और बेटा अगर ये फॉर्मूला ना आए पेपर में या इससे रिलेटेड बेटा कोई हिंट ना हो तो एक और चीज है जो एनएफआईए को बनाती है बेटा, कॉम्पोनेंट है बेटा।
कंपोनेंट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम ऑफ प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा है बेटा नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। बेटा बड़े सिंपल एम्प्लॉइज क्या होता है, देखो बेटा इन्होंने ना एनएफआईए बना दिया। एक तो एनएफआईए से बनता है, मेरे देश का रेजिडेंट फैक्टर इनकम के तौर पे क्या क्या कमा के लेके आया, माइनस नॉन रेजिडेंट इंडिया से फैक्टर इनकम के तौर पे क्या क्या कमा कर ले गया। एक तो एनएफआईए से बनता है, एक ऐसे बनता है बेटा नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई। अगेन वर्ड इज नेट, मेरे देश का रेजिडेंट वेजेस एंड सैलरी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई और कुछ नहीं होता बेटा। एम्प्लॉई को क्या कंपनसेशन मिलती है, वेजेस एंड सैलरी मिलती है, कि वेजेस एंड सैलरी के तौर पर क्या कमा कर लेकर आया और नॉन रेजिडेंट वेजेस एंड सैलरी के तौर पर क्या कमा के ले गया। इन दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है बेटा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मेरे देश का रेजिडेंट क्या कमाकर लेकर आया रेंट के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर और बेटा डिविडेंड के तौर पर, माइनस नॉन रेजिडेंट रेंट इंटरेस्ट और डिविडेंड के तौर पर क्या कमाकर लेके गया। और बेटा नेट रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, रेजिडेंट रिटेन्ड अर्निंग के तौर पर क्या कमाकर लेकर आया, नॉन रेजिडेंट रिटेन्ड अर्निंग के तौर पर क्या कमाकर लेकर, यानी कि करा क्या सर, करा तो कुछ भी नहीं। इन्हीं पांच बातों को तीन अलग अलग बातों में समेट दिया, या मैंने इकट्ठा लिख रखा था या इन्होंने कह दिया अलग अलग लिख दो। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई अलग, नेट रिटेन्ड अर्निंग अलग, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अलग। समझ में आई बेटा बात, क्या बेटा इसको सोचो तो याद रखा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सर प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम रेंट है और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है बेटा, डिविडेंड और एक बेटा उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट। तो मैं कभी याद नहीं रखता, ये तो खुद को खुद याद रहती है। समझ में आ रही बेटा क्या है एनएफआई, क्लियर, या तो ये नहीं तो बेटा ये। ठीक है जी, चलो बाबू वापसी लेकर आता हूँ आपको इसी डायग्राम पर। बेटा हम न्यूमेरिकल शुरू करने जा रहे हैं और जब भी थर्ड चैप्टर शुरू होने जा रहे हैं, बिल्कुल अभी ये तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, सेकंड चैप्टर यहीं ओवर हो गया। बेटा जब हम थर्ड चैप्टर में न्यूमेरिकल करते हैं तो बेटा मैं कोई भी न्यूमेरिकल करना हो एक बेटा रफ में डायग्राम जरूर बना लेता हूं और लिख देता हूं बेटा JTNP। ठीक है, और बेटा हाथों हाथ यहीं पर इसके बिल्कुल नीचे लिख देते हैं NNP@FC। बेटा बोलते कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है ना जी, बाकी प्यारे प्यारे नाम तो हैं GDP, NNP और NNP@FC। ठीक है ना, ये जो फॉर्म तो एक्सटेंशन पड़ा है बेटा, ये एक ही बार बोलना, अब कभी नहीं बोलेंगे बेटा, अब GDP@NNP और NNP@FC जिंदाबाद। बेटा अगर जी को एन में कन्वर्ट करना हो बेटा, यहाँ बात चल रही है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के, जी और एन से मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट से। अगर बेटा जी को कभी एन में कन्वर्ट करना हो सर, एक ही तरीका है, इट इज कन्वर्टेड बाय सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है ना जी, और बेटा बिल्कुल उल्टी बात भी है, अगर नेट को कभी बेटा ग्रॉस में कन्वर्ट करना हो तो बेटा डेप को प्लस किया है। बेटा सेम वे अगर बाबू कभी आपको डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना हो, डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करना है, इट इज बाय एडिंग एनएफआई। उल्टा भी अगर नेशनल इनकम को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना हो तो माइनस कर देंगे। ऐसे ही बेटा मार्केट प्राइस को एफसी में कन्वर्ट करना है, बेटा अगर मार्केट प्राइस को एफसी में कन्वर्ट करना है तो बेटा माइनस करना पड़ेगा NIT। ठीक है जी बाबू, ये तीनों काम हमने कल पढ़ लिया है इन अ मोस्ट डिटेल्ड फॉर्म, लेकिन मैं न्यूमेरिकल के लिए बेटा हमेशा डायग्राम ड्रॉ कर फॉर्मूला नहीं सोच। GDP@NP नीचे लिखे NNP@FC, जी को इन्वर्ट में कन्वर्ट करना है प्लस NFIA माइनस NIT, ये बातें मैं याद रखता हूँ। ठीक है ना, दोबारा से कभी इस पर चर्चा नहीं कर रही, ये चर्चा हमने सिर्फ इसलिए करी कि हमें न्यूमेरिकल कर पाए। ठीक है बाबू, अब मैं वो बातें बता देता हूँ जो पेपर में परेशान करने लायक है। वैसे आपको बता देता हूँ न्यूमेरिकल आता कैसा है जो पहली बार।
डराइव कर सकते हैं एट टर्म्स। कभी क्वेश्चन कहता है जी एन पी एट एम पी, कभी क्वेश्चन कहता है जी डी पी एट एफ सी, कभी क्वेश्चन कहता है जी एन पी एट एफ सी, कभी कहता है एन डी पी एट टर्म्स बन सकती है। एट में से बेटा ज्यादातर क्वेश्चन में एक गिवन होती है और एक हमें बेटा पूछी जाती है हमसे, और कुछ बेटा बचे हुए स्टैट्स गिवन है। तो बेटा आठ टर्म में से कोई एक गिवन होती है तो उस लेगा कुछ बचे हुए स्टैट्स। सर क्या इस चैप्टर को मुश्किल किया जा सकता है? सर कोई तरीका ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है, मतलब यही बातें जितनी आपके सामने लिखी है, बस जो कोशिशें हैं मुश्किल करने की वो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हो जाता है, ठीक है जी। तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ डैश मुश्किल से मुश्किल क्या हो सकती है बाबू, डैश से मुश्किल सिर्फ एक हो सकती है कि डैश उल्टे सीधे नाम दे देते, अगर वो नाम याद रख लो फिर तो वैसे ही कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो बेटा मैं वो उल्टे सीधे नाम लिख देता हूँ जो पेपर में ज्यादातर आते हैं, ठीक है। तो ये बेटा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ज्यादातर सबसे ज्यादा नाम यही आता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। बाबू जिसने नहीं लिखे हुए सर वही लिखो, जिसने लिखे हुए बेटा वो मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है। तो जिसने नहीं लिखा वो एक बार लिखे या बाद में लिखो, चलो बेटा बाद में ही कर लेना, फिर मैं आगे बढ़ा देता हूँ बात को, एक ही बार लिख लेना सब कुछ। डेप्रिसिएशन से तो बात हो गई, मुश्किल के नाम पर बेटा धब्बा ही है, ठीक है ना, कि अलग अलग नाम आ सकते हैं उसके ज्यादा कुछ नहीं बेटा। एन एफ आई है मुश्किल क्या पढ़ा हमने, क्या देगा क्या सर? थोड़ी थोड़ी कोशिश करेगा, देखते हैं कितना मुश्किल कर पाता है बेटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कई बार इसकी जगह देखता है फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर क्या हम इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं? अगर उसने अब्रॉड नहीं बोला और उसने बोल दिया अब्रॉड की जगह रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सर वो भी तो अब्रॉड ही होता है। ज्यादातर बेटा वो ये गड़बड़ करता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या तो ये गड़बड़ करेगा। दूसरी बात, कई बार बेटा क्वेश्चन क्या करता है बाबू, ये क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होता फीफा, सिर्फ फीटा गिवन है, तो एज्यूम इट टू बी जीरो। बेटा अगर मैंने इसको जीरो एज्यूम कर लिया एंड फीटा इज 20, तो बेटा एन एफ आई ए कितना आ गया? -20 आ गया। बेटा घबराना मत, एन एफ आई ए माइनस में हो सकता है, और बेटा माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है मुझे आइडिया देगा? माइनस का मतलब है बेटा मैंने अब्रॉड से कुछ कमाया नहीं है, बल्कि मैं अब्रॉड को 20 देकर आया हूं, ठीक है ना जी। यानी कि बेटा हम तो कुछ नहीं कमा कर लेके आए, पर नॉन रेजिडेंट इंडिया से कमा कर ले गया, तो हमने बेटा नेट में कुछ कमाया नहीं है। ये तो बताता क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि नेट में हमने अब्रॉड से क्या कमाया। तो अगर बेटा ये नेगेटिव है इसका मतलब है बेटा हमने कुछ कमाया नहीं, बल्कि अब्रॉड को दिया है 20 रुपए, ठीक है ना जी। और बेटा अगर क्वेश्चन में कभी फीफा गिवन हो, फीटा गिवन ना, मतलब ये बोलो ये 20 है और ये गिवन नहीं है, तो एज्यूम इट टू बी जीरो, क्या फर्क पड़ता है बेटा? समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का से बाबू इसके ऊपर एक थोड़ी सी चर्चा मुझे अभी और करनी है, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं अभी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। बेटा मान लो क्वेश्चन ने मुझे गिवन है जीडीपी एट एमपी, कुछ भी समझ लो 20,000 CR, सब सामने देखते रहेंगे पुत्र, ठीक है जी। और बेटा ऐसे लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 CR, और बेटा कहता है कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी। बहु मैं बिल्कुल ये मान के चल रहा हूँ आप न्यूमेरिकल पहली बार कर रहे हो, आपने कभी नहीं करे, ठीक है ना, सबके लिए एक ही बात मान के चल रहा हूँ, जिन्होंने करे बहुत अच्छी बात, उनका रिवीजन हो रहा है।
बेटा जो भी मुझे कैलकुलेट करना होगा इस पूरे चैप्टर में आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, मैंने बोला था इससे एट टर्म्स बन सकती है, ठीक है ना। और ज्यादातर क्वेश्चन में एक गिवन होती है, दूसरा निकालने को कहते हैं। बेटा जो भी मुझे कैलकुलेट करना होता है हमेशा उसको प्लेस कर दो अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर। मुझे कैलकुलेट करना है बेटा जी एन पी एट एम पी और इक्वल्स टू, मैं इसी सेंस की एक और टर्म क्वेश्चन में गिवन होगी बेटा वो लिख दो। जो कैलकुलेट करना है उसे लेफ्ट हैंड साइड पर प्लेस कर दो बेटा। इसी सिमिलर सेंस की एक और टर्म गिवन होगी उसको बेटा आपने इसके इक्वल्स टू में लिख दिया। अब सोचो सर कन्वर्जन, सर कन्वर्जन सोचने के लिए वो डायग्राम रफ में बहुत जल्दी जल्दी बना लेना। जब भी इसका न्यूमेरिकल करने लगो मेरा मानना यह है कि डायग्राम बना लो बेटा। ये माइनस डैप, ये प्लस एनएफआई और माइनस एनआईटी बेटा सब कुछ सेम है। जी जी है, एमपी एमपी है, डी को एन में कन्वर्ट करना है। सोचते हमेशा ऐसे हैं, ज्यादातर बच्चे बेवकूफी करते हैं यहां से यहां सोचने लगते हैं। भाई ये क्वेश्चन में गिवन है मुझे यहां पहुंचना है, डी को एन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना जी। और अगर बेटा आपको डी को एन में कन्वर्ट करना है, सर डी एन में कैसे कन्वर्ट होता है, डी एन में कन्वर्ट होता है प्लस एन एफ आई ए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है जी। और बेटा अगर ये 20,000 करोड़ है और एन एफ आई ए 100 करोड़ है तो जी एन पी एम पी कितना होगा, 20,000 100 करोड़। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं बेटा एन एफ आई ए का लेवल बढ़ा रहा हूं धीरे धीरे, आपको पता लग जाएगा कि कैसे लेवल बढ़ रहा है, ठीक है जी। बेटा क्वेश्चन है ना इस बार इस टर्म को ना चेंज कर दिया और यही इसी टर्म के साथ ही खिलवाड़ होता है, मैं आपको बता देता हूं। और बच्चा आंखें बंद करके करता है। देखो हर टीचर ना एन एफ आई ए ही बोलता है, हर टीचर एन एफ आई ए ही लिखता है अपने एग्जाम्पल्स में, लेकिन क्या करता है क्वेश्चन एन एफ आई ए कभी नहीं लिखेगा, क्वेश्चन तो पूरा लिखेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। बच्चे की पेशेंस पता है कितनी है, नेट फैक्टर अरे बस बस एन एफ आई ए बस, बच्चे की इतनी पेशेंस है। पुत्र पढ़ तो ले इसको, तेरे को क्या पता है, तेरा 3 घंटे का एग्जाम है जो 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम, पढ़ लो आंखें खोल के क्या लिखा हुआ है, 2 एब्रॉड। सर इसका मतलब तो समझ में आ रहा होगा आपको, अगर आपने कभी मुझसे रीडिंग सीखी है, रटना नहीं सीखा। सर क्या मतलब है नेट फैक्टर इनकम 2 एब्रॉड का, सर नेट में मैं एब्रॉड को क्या देकर आया, कमा कर नहीं लाया, यही मतलब है ना नेट फैक्टर इनकम 2 एब्रॉड का। सर लेकिन मुझे ऐड क्या करना था, अगर जीडीपी को जीएनपी एमपी में कन्वर्ट करना था एनएफआईए, क्या मैं नेट में कुछ कमा कर लाया हूं, नहीं बेटा मैं तो नेट में क्या करके आऊं, देकर आया हूं। तो बेटा बड़ा ऑब्वियस से आंसर हो जाता है, अगर मैं कमा कर नहीं लाया हूं मेरी अर्निंग से नेगेटिव है तो बेटा माइनस कर दो ना इसको, मुझे सिर्फ प्लस एनएफआईए को करना था। दिखाई दे रही है आपको ये बात, मैंने नेट में कमाया नहीं है देकर आया हूं, तो बेटा यहाँ ये माइनस होगा। अपनी पेशेंस लिमिट बरकरार रखें इसको पढ़ते टाइम, ज्यादातर क्वेश्चन में गड़बड़ होती है। समझ में आई बेटा बात पक्का से, बाबू इसका लेवल हर क्वेश्चन से बढ़ेगा, मैं अभी हल्का सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर रहा हूं, मैंने बोला हर क्वेश्चन में इसका लेवल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन ने मुझे दिया जी एन पी एम पी और मुझसे इस बार कैलकुलेट कराता है जीडीपी एट एमपी। चलो जी जो कैलकुलेट करना है वो कहां लिखेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, सिमिलर सेंस की टर्म प्लेस कर दो राइट हैंड साइड। सर एन को डी में कन्वर्ट कर रहे हैं, सामने देखना, डी को एन में कन्वर्ट करना हो तो प्लस एन एफ आई ए, एन को डी में करना हो तो माइनस एन एफ आई ए, माइनस एन एफ आई ए। सर 20,000 करोड़ है माइनस करना है एन एफ आई ए, पढ़ो क्या दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को माइनस करना, दिया क्या हुआ नेट फैक्टर इनकम 2 एब्रॉड। सर मतलब मैं एब्रॉड से कुछ कमा कर नहीं लेकर आया बल्कि एब्रॉड में कुछ देकर आया हूं, ध्यान रखना ये माइनस साइन तो बरकरार है, ये तो बरकरार है। एन एफ आई ए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कि मैं अब्रॉड से क्या कमा कर लेकर आया, अगर मैं बेटा मैं कमा कर लिया देकर आया हूं तो बेटा नेट फैक्टर इनकम 2 एब्रॉड, ये तो बेटा नेगेटिव ही होगी ना, यानी कि एन एफ आई ए किसके बराबर होगा, अगर मैं देकर आया हूं कमा कर नहीं लेकर आया तो नेगेटिव ही तो लिखूंगा अपनी अर्निंग को। तो बेटा मैंने एन एफ आई ए को रिप्लेस कर दिया माइनस नेट फैक्टर इनकम 2 एब्रॉड,
यानी कि बेटा ये क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, 20,100 रुपए हो जाएगा। पहले बताओ ये बात समझ में, इसका मैक्स लेवल ये खुद भी नेगेटिव दिया 100 कर। अब बच्चा माइनस में ये परेशान हो जाता, करो क्या इसका। सर जीडीपी एट एमपी मुझे कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में गिवन है जी एनपी एमपी, और अगर एन को डी में कन्वर्ट करना हो तो बेटा माइनस करना पड़ता है एनएफआई। ये 20,000 करोड़ है, आराम से सुनते जाना, ये माइनस का साइन बेटा। मुझे एनएफआईए को माइनस करना है, पर एनएफआईए क्वेश्चन में गिवन नहीं है। गिवन क्या है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एनएफआईए किसके बराबर होता है, माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के बराबर होता है ना। एनएफआईए किसके बराबर होता है, माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के होते हैं ना। और ये टर्म खुद माइनस में दी हुई है 100 करोड़, यानी कि घूम फिर के यहां 3 माइनस आ जाएंगे। और बच्चा झेल नहीं पाता, बस इतनी सी बात में। मैथ्स वाले तो कह रहे हैं ये हमने डिटरमिनेंट झेलने हैं, दिल पे हमने इंटीग्रेशन झेल लिया, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ये माइनस। कोई नहीं बाबू, होता है मैक्सिमम मिनिमम जिसने झेल लिया उसके लिए क्या है, ठीक है ना जी बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बेटा बात। बस दुखती रख पे हाथ रख दिया आपके, ठीक है ना। कोई नहीं बाबू, हो जाता है जिंदगी में, सॉरी कभी कभी। चलो बेटा, ये एनएफआईए का मैक्स लेवल था, इससे ज्यादा एनएफआईए में कुछ नहीं है। अब रही बेटा बात एनआईटी की, कि एनआईटी में मुश्किल क्या कर सकता है। सर एनआईटी में मुश्किल ऐसी कोई चीज है नहीं वैसे। एनआईटी किसके बराबर है बेटा, आईटी माइनस सब्सिडीज। बेटा ज्यादातर आईटी की जगह वर्ड लिखा होगा आज की तारीख में पेपर में जीएसटी, ठीक है ना। अपनी पेशेंस लेवल संभाल के जीएसटी नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी लिखा हो सकता है, जीएसटी ढूंढते रहो बैठ के, ठीक है ना जी। दूसरी बात, अगर बेटा क्वेश्चन में आईटी गिवन ना हो और सब्सिडीज गिवन हो तो बेटा एसईओ में 2B0, ठीक है ना। क्या एनआईटी नेगेटिव आ सकता है, व्हाई नॉट, आ सकता है बेटा, ठीक है जी। और बेटा अगर आईटी गिवन हो सब्सिडी ना गिवन हो तो सर सब्सिडी को 0 मान लेना, ये 20 वो 0, तो चलो 20 करोड़। सर ये इसका मैक्स लेवल, ठीक है जी। हाँ बस अभी बताते हैं, ट्रेन बताते हैं बस का क्या करें बेटा। इसके अलावा दो बात और, अगर कभी आपको कहे कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो बेटा डोमेस्टिक इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय एनडीपी एट एफसी। और कभी आपको कहे बेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एनएनपी एट एफसी, ठीक है जी। 8 में से 2 टर्म ऐसे भी बनती है। अगर कभी आपको कहे कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, ये रिप्रेजेंट होती है एनडीपी एट एफसी से। कभी कहे कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो ये कैलकुलेट होती है एनएनपी एट एफसी से। बाबू अभी मैं क्वेश्चन फ्लैश कर देता हूँ, 2-1 मैं करता हूँ, 10-1 तुम करो, हिसाब बराबर, ठीक है जी। चलो है कल, अरे अभी 20-21 मिनट पड़े, तुम ऐसे कल पे क्यों टालते हो चीजें, अभी खत्म कर देंगे चैप्टर, कल चौथा चैप्टर शुरू करेंगे बाबू। हाँ पता नहीं क्या, ये कल का मुद्दा नहीं है राज भाई। बेटा एक क्वेश्चन में 9 तुम, कल एक में 19 तुम। चलो जी बेटा करते हैं फटाफट से स्टार्ट, पहला एग्जांपल करते हैं, सब सामने देखना बेटा। 10 ही एग्जांपल्स हैं और अभी होने हैं, ध्यान रखना है बात, 10 हैं और अभी होने हैं, ये कल के लिए कोई मुद्दा नहीं है मेरे पास, मुझे कल नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है बेटा। कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी, अगर ये भी कह देता ना कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम तो बेटा मैं यही लिख रहा होता। तो बेटा अगर एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड उसको प्लेस कर दिया, जीएनपी एमपी सिमिलर सेंस की टर्म क्वेश्चन में गिवन है, और राइट हैंड साइड में लिख दी। अब सर सोच लो किसको किसमें कन्वर्ट करना और कैसे कन्वर्ट होता है। बेटा हमेशा रफ में जरूर बना लेना इसको, ताकि आपको आसान पड़े। बेटा जी को एन में कन्वर्ट करना है, दिखाई दे रहा है जी को एन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्टेड थ्रू सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन। बेटा एन को डी में कन्वर्ट करना है,
एन को डी में, सर डी को एन में कन्वर्ट करना था प्लस एन एफ आई ए करते हैं, एन को डी में करना है तो माइनस एन एफ आई ए, एमपी को एफ सी में कन्वर्ट करना है सर, एमपी को एफ सी में कन्वर्ट करना है माइनस एन आई पी। सर पहले फॉर्मूला फ्रेमिंग पे ध्यान देना, उसके बाद कुछ करना नहीं होता, सिर्फ फिगर से पुट करनी होती। बेटा जीएनपी एमपी गिवन है 8000, डेप्रिसिएशन माइनस करो, एनएफआई है अच्छे से पढ़ लेना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है और एनआईटी 700 करो। बेटा 1600 माइनस करना है, यानी कि आंसर आ गया होगा बेटा 6400 सीआर। और बेटा अगर इस मुसीबत से भी बचना है तो बेटा पहले ही क्वेश्चन में देख लिया करो, जो भी गिवन हो सबसे ऊपर ही लिख दिया करो, फिगर्स इन करोड़, इन लैक्स, इन थाउजेंड, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो वही लिख दिया करो, ये बात की मुसीबत ही नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे पता है मैं सबसे ज्यादा बोलता हूँ इन चीजों को, इसलिए मैं सबसे पहले यही काम करता था अपने पेपर्स में, सबसे पहले ऊपर ही लिख देता था, मेरी तो जान छुट्टी फिर लिखने की। ठीक है जी, तो वो अभी आप एग्जाम्पल नंबर 2 से लेकर इसको फिनिश करोगे फटाफट से, ठीक है ना, लो करते जाओ, मैं बोर्ड पे फ्लैश करता जाऊंगा, ठीक है ना, आज ही कदम करने हैं और आज के लिए रखेंगे भी इतना ही। बाय बाय।